नमस्कार, आरवी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे फाफड़ा रेसिपी। ये गुजराती डिश है और ये गुजरात का स्ट्रीट फूड है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। फाफड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप बेसन, 2 टीस्पून तेल और 2 पिंच हींग, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन, पानी नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं और ये हींग भी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो ना डालें। वैसे बेसन की चीज हींग से बहुत ही टेस्टी लगती है और अगर बेसन किसी के नुकसान करता हो तो उसके लिए भी फायदेमंद है। अब फाफड़ा बनाने के लिए हम इस बाउल में डालेंगे बेसन और सभी चीजें ऐड कर देंगे इसमें। ये हींग, ये नमक, ये हल्दी पाउडर, ये मीठा सोडा, ये अजवाइन और मैंने ऑयल लिया है 3 चम्मच। इसमें अपन 2 ही चम्मच ऐड करेंगे, तेल ज्यादा नहीं डालेंगे, या मैंने 2 चम्मच ही लिए हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, पानी ज्यादा नहीं, चम्मच से डालेंगे, बेसन में ज्यादा पानी नहीं डालेंगे नहीं तो गीला हो जाएगा डो। इसको अच्छे से मिक्स करना है अपन को और पानी चम्मच से ही डालना है नहीं तो ज्यादा गीला हो जाएगा। और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, इसको अच्छे से गूंथ लेंगे, इसको डो बना लेंगे गूंथ करके। डो हमारा ज्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा सख्त भी नहीं रहना चाहिए। ये पूरी के आटे से थोड़ा सा नरम और पराठे के आटे से थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। ये देखो हमारा डो परफेक्ट बन रहा है। अब इसमें लास्ट में थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि ये थोड़ा साफ हो जाए। बर्तन के चारों तरफ ऑयल लगा देंगे तो ये चिपकेगा भी नहीं। ये देखो बिल्कुल साफ हो गया, चिकना डो बन गया। ये देखो बिल्कुल चिकना, बिल्कुल स्मूथ डो बन के तैयार है। ये हमारा डो तैयार है, ये ज्यादा सख्त भी नहीं है, ये देखो ज्यादा गीला भी नहीं है। इस तरह से होना चाहिए। हमने यहाँ टोटल 3 चम्मच ऑयल लिए। अब इसकी हम छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी साइज की। ये देखो बिल्कुल छोटी सी नींबू की साइज में बॉल बनके तैयार है। सारी बॉल्स इसी साइज में बना के तैयार करनी है। ये मैंने बॉल्स बना के तैयार कर लिए। अब इसमें टोटल 6 बॉल्स बनके तैयार हुई है। अभी एक बॉल लेंगे, इस बॉल को हम लंबी शेप दे देंगे इस तरह से, ये वाली शेप दे देंगे और इसको चकले पे रख के, और ये जो पीछे का जो बारीक वाला है उस हिस्से को अपन नीचे की साइड रखेंगे और हथेली की सहायता से यहां से इस साइड इस जगह से इसको प्रेस करते हुए आगे बढ़ाएंगे। पहले इसको थोड़ा सा यूं प्रेस कर देंगे इस तरह से। अब इसको इस तरह से आगे की साइड बढ़ाते जाएंगे इसको। बन गया। अब इसको चाकू से निकालेंगे, चाकू का जो धार वाला हिस्सा है उसको नीचे की साइड रखेंगे और दूसरे वाले हिस्से से इसको निकालेंगे, लेकिन चाकू को बिल्कुल भी उठाना नहीं है बीच में, बहुत ही धीरे धीरे इस तरह से, ये लो इस तरह से निकाल लेंगे। ये फाफड़ा हमारा निकल गया बहुत ही आसानी से। इस तरह से दूसरा फाफड़ा बना लेंगे,
पहले इसको यहां से प्रेस करेंगे और फिर बाद में इसी तरह से इसको आगे की तरफ यूं ले जाएंगे, आगे बढ़ाते हुए। इस पर ज्यादा दबाव भी नहीं डालना है। अब इसको भी चाकू की सहायता से निकाल लेंगे, धीरे धीरे आराम से, चाकू को बिल्कुल भी उठाना नहीं है। ये निकल गया है, ये देखो। इसी तरह से सारे फाफड़े बना लेंगे। यह मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी, इसमें तेल भी डाल दिया है। अब गैस ऑन करेंगे। तेल को ज्यादा गर्म नहीं करेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे गर्म करेंगे। इसमें थोड़ा सा डो डाल के देखेंगे। ये हमारा तेल, ये डो ऊपर आ गया है, तेल गर्म हो गया है इसका मतलब। अब हम फाफड़ा इसमें तल लेंगे अच्छे से। देखो क्रिस्पी हुए, जब तक पकाना है अपन इसको। ये हमको पलट दिया है, ज्यादा ब्राउन नहीं करना है इनको। बेसन जल्दी पक जाता है। ये देखो इस पर बबल से आने लगे हैं। और इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से सारे फाफड़े तल लेंगे। ये देखो इनके बबल्स आने लग गए हैं, इसका मतलब हमारे फाफड़े बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। अब इनको पलट देंगे। बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। मैंने ये मिर्च भी फ्राई कर दी हूं मैं। ये मैंने हरी मिर्च भी फ्राई कर ली है। ये देखो ये नाश्ते के लिए फाफड़ा बनकर तैयार है। इसे आप चाय के साथ भी खा सकते हैं। वैसे जलेबी फाफड़ा का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसे आप हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। और यह मैंने हरी मिर्च भी रख दिए, इनके साथ भी खा सकते हैं। ये देख लो कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखो कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखो इसको क्रश करके दिखाऊंगी। ये देखो कितना क्रिस्पी नाश्ता बनके तैयार हुआ है। उम्मीद है आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और तब तक के लिए धन्यवाद।